दोस्तों अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, छोटू के पिता को बागेश्वर धाम पहुंचते ही एक एक कर आरती का खुलने लगा सारा पुल। जी हाँ दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आप लोग को सब कुछ बताऊंगा कि आखिर छोटू के पिता बागेश्वर धाम जो गए थे तो वहाँ की सरकार ने छोटू के पिता को आरती के बारे में क्या कुछ कहा है, क्या सच्चाई कहा है, वो सब आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहे। तो जैसे कि दोस्तों मैं सबको बता दूं कि जब से छोटू इस दुनिया को छोड़ के गया था तब से आरती काफी विवादों में गिर गई, लेकिन इसी बीच एक खबर निकल के सामने आ रही है कि छोटू के पिता उमेश यादव अपनी अर्जी लेके बागेश्वर धाम गए हुए थे, लेकिन वहां के सरकार ने जो कुछ बताया है उसे सुनने के बाद आप भी यकीनन हैरान हो जाओगे। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि वहां के बागेश्वर धाम के सरकार ने आरती के पिता को कहा है कि आप जिसको बहू बनाए हो वही छोटू का असली कातिल है और वही संयंत्र रच के छोटू को खत्म करवाया। ये सब सुनने के बाद आरती के पिता को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद भी वहाँ के बागेश्वर धाम के सरकार ने कहा कि ये सत्य है और आप इसको सही से पता करना। इतना ही नहीं दोस्तों, बागेश्वर धाम के सरकार ने छोटू के पिता उमेश यादव को ये भी कहा कि आपकी घर को आरती बर्बाद करना चाहती है और मन्नू को भी छोटू की तरह संयंत्र रच के खत्म करवा के वो अपने घर वापस जाना चाहती है। नहीं दोस्तों, बागेश्वर धाम के सरकार ने उमेश यादव को ये सब कहा तो उमेश यादव को थोड़ा भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आरती उसकी घर की बहू है और आरती इस तरह से छोटू के पिता के बारे में और मन्नू के बारे में कैसे सोच सकता था। लेकिन वहाँ के बागेश्वर धाम के सरकार ने उमेश यादव से कहा कि ये बिल्कुल सत्य है, आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कुछ आरती के सीक्रेट बात उमेश यादव को बताया, तब उमेश यादव को जाके पता हुआ। तो दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हो, जिस तरह आरती मन्नू और उमेश यादव के पूरा परिवार को खत्म करना चाहते हैं, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो यही था हमारे आज के वीडियो में। वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।